हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजू निटिंग चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए आज आपके लिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है, बनाना इसे उतना ही आसान है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। लेडीज स्वेटर, जेंट्स हाफ बाजू स्वेटर, फुल बाजू स्वेटर, बच्चों का स्वेटर, स्टॉल, मफलर, कुछ भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन में। हर प्रोजेक्ट पे ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगने वाला है। ये फ्रंट साइड से हमें ऐसे नज़र आ रहा है और बैक साइड से, ये देखिए बैक साइड से ये ऐसे नज़र आएगा। इस डिज़ाइन को आप किसी भी कलर में बना लेना, लाइट कलर में, डार्क कलर में, किसी भी कलर में बना ले। हर कलर में ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगने वाला है। इसको बनाने के लिए जो हमने फंदे लेने हैं, आपने 5 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं। 5 5 5 ऐसे फंदे डालते जाना है। लास्ट में आपने 2 फंदे एक्स्ट्रा, ये देखिए इस साइड पे जो उल्टे फंदे बनाए हैं ना 2, ये एक्स्ट्रा डालने हैं। और 2 फंदे आपने एस्टिच के लिए डालने हैं। 5 5 करते डालते जाना, 2 फंदे आपने एस्टिच के लिए डालने हैं, 2 फंदे इधर एक्स्ट्रा डालने हैं। तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आ जाएगा। अगर आप मेरे साथ साथ इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बनता जाएगा, क्योंकि मैं पूरा बोल बोल के रिपीट करती जाऊंगी। आप मेरे साथ साथ बनाते जाना तो बिल्कुल आसानी से ये डिज़ाइन आपका बनता जाएगा। फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जब भी कोई डिज़ाइन बताती हूँ पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस डिज़ाइन को पूरा बोल बोल के रिपीट करूँ, ताकि जब भी आप उस डिज़ाइन को बनाने लगें, बनाते समय आपको कोई परेशानी ना आए, आप बिल्कुल आसानी से उस डिज़ाइन को बना लें। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बेल आइकन फ्रेंड्स ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो इस डिज़ाइन को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फंदे डालेंगे और बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए मैंने एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ऐसा वाला बॉर्डर बनाया है। अगर आपने बॉर्डर के ऊपर फंदे बढ़ाने हैं तो क्या करेंगे, आपने पूरा बॉर्डर बना लेना है। जब आप लास्ट वाली रो बच जाएगी, जो उल्टी साइड से आपने सीधी तरफ जाना है, उसमें आपने जितने फंदे बढ़ाने हैं बढ़ा लेना, बीच बीच में बढ़ाते हुए आना, क्योंकि सीधी साइड से इस डिज़ाइन को हमें फिर शुरू करना है। तो चलो इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे आप भी पहले ये देखिए, मैंने 5 के मल्टीपल से 10 फंदे डाल लिए हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा और 2 फंदे एस्टिच के लिए, 14 फंदे डाल लिए हैं। और डिज़ाइन की फर्स्ट रो से इसे बनाना हम शुरू कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहला एस्टिच इसे हमने सीधा बुन के निकालना है। ये देखिए सीधा बुन के निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो 2 फंदे हम पहले उल्टे बनाएंगे। ये देखिए आप मेरे हाथों की तरफ ज़रूर देखें ना, 2 फंदे उल्टे बना लिए। अब धागा पीछे करेंगे, ये देखिए पीछे की तरफ से यहाँ से एक सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से हम पीछे की तरफ से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ पे हमारे 5 फंदे पूरे हमने बना लिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2 फंदे उल्टे, फिर पीछे की तरफ से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर पीछे की तरफ से एक फंदा सीधा। 2 बार रिपीट किया इस डिज़ाइन को, और एक्स्ट्रा 2 फंदे हैं इन्हें हमने उल्टा बनाना है। एस्टिच सीधी रो बना रहे हैं तो इसे हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। डिज़ाइन की सेकंड रो, पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे, धागा आगे करेंगे। ये देखिए 2 फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं ना, इन्हें हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। ये देखिए ये उल्टा फंदा नज़र आ रहा है, इसे हमने यहाँ से उल्टा नहीं बनाना है फ्रेंड्स, आगे से, ये देखिए आगे से लेंगे। मैंने इसीलिए पहले बोल दिया था कि आप मेरे हाथों की तरफ ज़रूर देखना, इसे हमने उल्टा ऐसे नहीं बनाना है, आगे से। ये देखिए आगे वाला फंदा उठाएंगे, वहाँ से हमने उल्टा बनाना है। फिर एक फंदा सीधा नज़र आ रहा है, इसे हम सीधा बना लेंगे। जो उल्टा फंदा बना रहे हैं वो हमने आगे वाला पार्ट उठा के फिर उल्टा फंदा बनाना है। फिर यहाँ पे 5 फंदों का रिपीट कर लिया हमने। फिर से
इन्हीं पांच फंदों को रिपीट कर रही हूँ। तो दो फंदे जो सीधे नज़र आ रहे हैं इसे सीधे बना लेंगे, जो उल्टा फंदा इसे आगे की तरफ से हमने लेके उल्टा बनाना है। एक फंदा सीधा, फिर से उल्टा आगे की तरफ से, फिर दो फंदे एक्स्ट्रा, इन्हें हमने सीधा बनाना है और उल्टी रो बना रहे हैं तो ए स्टिच हमारा उल्टा आएगा। यहाँ पे हमने टू रो कंप्लीट कर ली। यहाँ पे हम थर्ड रो पे आ गए, पहला फंदा स्किप करेंगे, फिर से हमने दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, सीधा फंदा हम पीछे से सीधा बनाएंगे, सीधा बना लिया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से हम सीधा फंदा पीछे से सीधा बनाएंगे। पांच फंदों को फिर से रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, सीधा फंदा पीछे से सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से पीछे से सीधा बनाएंगे, फिर एक्स्ट्रा दो फंदे हम उल्टा बनाएंगे। सीधी रो बना रहे हैं तो ए स्टिच हमारा सीधा बुना जाएगा। यहाँ पे हम थर्ड रो कंप्लीट कर ली। फोर्थ रो, पहला फंदा स्किप करेंगे, फिर दो फंदे जो सीधे नज़र आ रहे हैं इन्हें हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। ये उल्टा फंदा, इसे हमने आगे वाले पार्ट को उल्टा लेना है, सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर उल्टे फंदे को यहाँ से उल्टा नहीं बनाना है, आगे वाला पार्ट उठा के, ये देखिए आगे वाला आगे से लेना है हमने, ये देखिए आगे वाला यहाँ से लेना है, उल्टा बनाना है। फिर दो फंदे सीधे, उल्टा फंदा आगे से उल्टा बनाएंगे, सीधा फंदा सीधा, फिर आगे से उल्टा, दो फंदे एक्स्ट्रा सीधे, ए स्टिच उल्टी रो में उल्टा। यहाँ पे हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हुई, ये देखिए फोर्थ रो कंप्लीट हुई। डिज़ाइन की फिफ्थ रो पे आ गए, पहला फंदा स्किप कर लेंगे, फिर दो फंदे जो उल्टे हैं इन्हें हम उल्टा बनाएंगे, ये देखिए दो फंदों को उल्टा बना लिया, धागा पीछे करेंगे। अब क्या करेंगे, ये बीच वाला उल्टा और ये दोनों सीधे, इनको हमने, ये देखिए तीनों को एक साथ लेना है, ऐसे एक साथ लेना है, पीछे की तरफ लेके जाना है, पीछे की तरफ से हमने इसे ऐसे सीधा बनाना है। ये देखिए थोड़ा लूज़ रखना है इस फंदे को, थोड़ा पीछे से हमने सीधा बना लिया, फिर हमने छोड़ने नहीं है फंदे, फिर आगे से इन्हीं फंदों को पहले पीछे से सीधा बनाया, फिर आगे से सीधा बनाएंगे। ये देखिए आगे से, ये देखिए ऐसे निकाला, फिर आगे से भी हम ऐसे सीधा बना लेंगे, तो ये देखिए ऐसे आएंगे ये हमारे फंदे। तभी मैं बोल रही मेरे हाथों की तरफ ज़रूर देखना, जब एक बार और मैं तीन के दो फंदे बनाऊंगी फिर आगे, तो मेरे हाथों की तरफ ज़रूर देखना। ये देखिए ये दो फंदे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे कर लेंगे। ये देखिए ये तीन फंदे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इन तीन फंदों को ऐसे आपने इकट्ठे लेना है। ये देखिए मेरे हाथों की तरफ देखें, तीनों को इकट्ठा लेना है, फिर इन्हें पीछे की तरफ, ये देखिए पीछे की तरफ ले जाएंगे, सिलाई को थोड़ा लूज़ कर लेंगे फंदों को। एक बार हमने तीनों को एक साथ, ये देखिए इस फंदे को थोड़ा जो बीच में से निकाला है इसे थोड़ा लूज़ रखना, पीछे से हमने सीधा बनाया, फिर इन फंदों को छोड़ना नहीं है, फिर आगे से इन तीन फंदों को एक साथ लेके फिर आगे से भी हमने सीधा बनाना है। ये देखिए तो ये हमारा ऐसे आएगा, फिर अगले दो फंदे हम उल्टा बनाएंगे, ए स्टिच हमारा सीधा आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हुई, डिज़ाइन की सिक्स्थ रो। पहला फंदा स्किप कर लेंगे, फिर ये दो फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं इन्हें हम सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर ये उल्टा फंदा, फिर इसे हम आगे की तरफ से, ये देखिए आगे की तरफ से उल्टा बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक जाली बनाएंगे, फिर अगले फंदे को आगे से हमने उल्टा बनाना है। दो फंदे सीधे, जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें हम सीधा बना लेंगे, जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें हम, ये देखिए आगे से उल्टा बनाएंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, फिर आगे से उल्टा बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, ए स्टिच हमारा उल्टी रो में उल्टा आएगा। ये देखिए
ऐसे आएगा। यहाँ पे हमने तीन के दो फंदे बनाए थे तो हमारा एक फंदा घट गया था सिक्स रो में, हमने यहाँ पे बीच में एक जाली बनाई तो हमारे फंदे तीन के तीन बन गए। तो ऐसे ही फ्रेंड्स ये 1 to 6 रो का डिज़ाइन है। जब इस डिज़ाइन को आप बार बार रिपीट करोगे तो ये डिज़ाइन ऐसे बन के आएगा। फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर योर टाइम, आगे मिलेंगे नए वीडियो के साथ।